दोस्तों, जब भगवान श्री राम रावण को मारकर 14 वर्ष बाद अयोध्या वापस आए तो लोगों ने घर घर दिए जलाए और तब से ये दिए जलाने का प्रचलन आज तक चलता आ रहा है। वैसे तो दियों की डिमांड धार्मिक कार्यों, मंदिरों और पूजा स्थलों पर लगातार बनी रहती है, मगर दीपावली का त्यौहार आने पर इन दियों की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि साल भर बने दिए कुछ ही समय में बिक जाते हैं। दिए तैयार होते हैं मिट्टी से और इसी मिट्टी से दियों के साथ साथ और भी बहुत सारे आइटम्स को तैयार किया जा सकता है, जैसे कि मिट्टी के ग्लास, मिट्टी के कुल्हड़ या मिट्टी के बाउल्स। इनकी डिमांड आज के समय में बहुत ज़्यादा है और इनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसका कारण है प्लास्टिक से बने आइटम्स को लोग पसंद नहीं कर रहे और उनमें फूड प्रोडक्ट्स को भी खाना पसंद नहीं कर रहे। इस वजह से मिट्टी के इन आइटम्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। दोस्तों, अब तक दिए और मिट्टी के ये आइटम परंपरागत तरीके से चाक के द्वारा बनाए जाते रहे। इसे बनाने में मेहनत बहुत ज़्यादा लगती थी, समय बहुत ज़्यादा लगता था और अगर प्रोडक्शन देखा जाए तो बहुत कम होता था। उसके साथ साथ प्रोडक्शन के बाद जो प्रोडक्ट प्राप्त होता था उसकी भी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन अब नई आधुनिक मशीनों के आ जाने के कारण इस काम में एक नया बूम आया है। इन मशीन्स के थ्रू प्रोडक्ट को बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम मेहनत में बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है और प्रोडक्शन की स्पीड भी बहुत ज़बरदस्त रहती है। तो दोस्तों, इन मशीन से आकर्षक दिए, आकर्षक मिट्टी के डेकोरेशन वाले आइटम्स, मिट्टी की आकर्षक मूर्तियाँ, उसके अलावा ग्लास, कुल्हड़ या फिर बाउल्स को बनाकर आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए रॉ मटेरियल है मिट्टी, तो सूखी हुई मिट्टी को सबसे पहले पीस लिया जाता है, फिर इसे छाना जाता है। इसके बाद एक सार महीन मिट्टी का पाउडर प्राप्त हो जाता है, फिर मिट्टी में बहुत हल्का सा पानी छिड़ककर इसे थोड़ी सी नमी दी जाती है। इसके बाद दिया मेकिंग मशीन में जिस डिज़ाइन का दिया, मिट्टी के ग्लास, मिट्टी के कुल्हड़ या मिट्टी के बाउल्स, मूर्ति या डेकोरेशन का सामान बनाना है, उसी डिज़ाइन की डाई लगाई जाती है और ये हैंड ऑपरेटेड हाइड्रोलिक प्रेस दिया बनाने वाली मशीन से दिए बनाए जाते हैं। यहाँ दियों की संख्या कारीगर की स्पीड पर डिपेंड करती है। अब इन तैयार दियों, मिट्टी के ग्लास, मिट्टी के कुल्हड़ या मिट्टी के बाउल्स को धूप में आसानी से सुखा लिया जाता है, क्योंकि इनमें मॉइस्चर बहुत कम होता है। सूखने के बाद हल्की सी फिनिशिंग करके इनको फायरिंग के लिए भट्टी में भेज दिया जाता है। भट्टी में पूरी तरह पकना और प्राकृतिक रूप से ठंडा होने में 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। अब तैयार दियों को कई तरह से बेचा जाता है, जैसे कुछ को प्लेन ही बेच दिया जाता है और कुछ को कलर करके आकर्षक बनाकर भी तैयार किया जाता है। अब ये दिए मार्केट में बिकने के लिए रेडी हैं। इसके साथ साथ मिट्टी के ग्लास और कुल्हड़ भी तैयार किए जाते हैं, क्योंकि सारा सामान होता है, प्रोसीजर भी सेम ही होता है, मगर ग्लास, कुल्हड़ और बाउल्स को बनाकर इनकम को डबल किया जा सकता है। तो दोस्तों, मशीन्स को देखने के लिए आ चुके हैं हम अपने डेस्कटॉप पर। तो सबसे पहले जो मशीन की ज़रूरत पड़ेगी वो होगी मिट्टी की ग्राइंडिंग मशीन। मिट्टी को ग्राइंड करने के लिए मैन्युअली या किसी भी ग्राइंडिंग मशीन का यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर जो ग्राइंडिंग मशीन दिखा रहे हैं उसका प्राइस 25,000 रुपीज़ है। उसके अलावा दिया और ग्लासेस को बनाने के लिए जिस प्रेस मशीन की ज़रूरत पड़ेगी वो ये है, प्राइस इसका 23,500 रुपीज़ है। अगली मशीन देख लेते हैं हम, इसका भी प्राइस 23,500 रुपये है। इस मशीन में अलग अलग तरह की डाई यूज़ होती हैं, जिस तरह का दिया या ग्लास या बाउल बनाना है उस तरह की डाई का यूज़ करके इस मशीन से उसको बनाया जा सकता है। ये मशीन बिना बिजली के चलती है, प्रेस सिस्टम के थ्रू ये मशीन काम करती है। इस तरह की कुछ मशीन्स बिजली से ऑपरेटेड भी आती हैं, लेकिन वो थोड़ी कॉस्टली आती हैं। उसके अलावा मशीन के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी डाई की, तो जिस भी डिज़ाइन का दिया, ग्लास, बाउल बनाना है उस तरह की डाई को परचेज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम डाई देख लेते हैं, जैसे एक ये डिज़ाइन है, यहाँ पर डिज़ाइन दिखाई गई हैं, कई सारी डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी डिज़ाइंस बदलती रहती हैं और नई नई डिज़ाइंस मार्केट में आती रहती हैं। और भी डाइज देख लेते हैं, यहाँ पर भी कई डिज़ाइंस की डाई दिखाई गई हैं। आपको जिन डिज़ाइंस की डाई की रिक्वायरमेंट हो आप उन डाइज को परचेस कर सकते हैं, डीलर के कॉन्टेक्ट नंबर अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिक चाक के थ्रू भी कुछ पॉटरी के आइटम बनाना चाह रहे हैं तो इलेक्ट्रिक चाक भी अवेलेबल है, प्राइस इसका 13,000 रुपये है।
इन सारी मशीन्स के लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहां से पर्टिकुलर साइट पर जाकर पर्टिकुलर डीलर से कॉन्टैक्ट करके मशीन के संबंध में और ज़्यादा डिटेल और करेंट टाइम का रेट पता कर सकते हैं। तैयार मिट्टी के प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से बहुत आसानी से सेल किया जा सकता है। ऑनलाइन सेल के लिए किसी भी ई कॉमर्स साइट का सहारा लिया जा सकता है, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे, इनके थ्रू अपने प्रोडक्ट को बहुत आसानी से सेल किया जा सकता है, या फिर अपनी वेबसाइट बनाकर या फिर इंडिया मार्ट के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट को सेल किया जा सकता है। ऑनलाइन सेल करने के लिए आपकी पैकिंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपके कस्टमर के पास आपका प्रोडक्ट सुरक्षित पहुंच सके। अगर ऑफलाइन सेल की बात करते हैं तो ऑफलाइन सेल के लिए आप धार्मिक स्थलों के पास वाली दुकानों, उसके अलावा जिन दुकानों पर धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा पाठ का सामान मिलता है उन पर संपर्क कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो दुकान दोनों पत्तल का सामान बेचती हैं या बड़े किराना व्यापारी, उनसे भी आप संपर्क करके अपने तैयार प्रोडक्ट को बहुत आसानी से सेल कर सकते हैं। दोस्तों, इस काम को करने के लिए जगह थोड़ी ज़्यादा लगती है, तो अगर आपके पास 5 से 6 हज़ार स्क्वायर फीट खुद की जगह है तभी इस काम को स्टार्ट करें। इसके अलावा मशीन्स के हिसाब से कारीगर रखने होंगे और कम से कम 2 किलोवाट के इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की भी आवश्यकता होगी। तैयार प्रोडक्ट को पकाने के लिए अगर आप सादा भट्टी से पका रहे हैं तो आपको लकड़ी की आवश्यकता होगी। उसके अलावा अगर आप LPG भट्टी का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको LPG गैस कनेक्शन की भी आवश्यकता होगी। दोस्तों, इस काम को करने के लिए अगर खर्चे की बात की जाए तो छोटे स्तर पर इस काम को आप 1 से 1.5 लाख रुपए में आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए गवर्नमेंट लोन भी प्रोवाइड कराती है और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराती है। उसके अलावा अगर हम इस काम के थ्रू बचत की बात करें तो आप मिट्टी के आइटम्स बनाकर सारे एक्सपेंसेस निकालकर इस काम के थ्रू 80 से 100% तक की बचत आसानी से ले सकते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, किसी भी काम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्वालिटी, तो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी का विशेष ध्यान रखें। आप जो मिट्टी यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की यूज़ करें। उसके अलावा जब आपका प्रोडक्ट तैयार हो रहा है तो उसकी फिनिशिंग का भी विशेष ध्यान रखें और प्रोडक्ट को पकाते समय उसको अच्छे से पकाएं ताकि प्रोडक्ट मजबूत और टिकाऊ बने। उसके अलावा दूसरी चीज़ है वैरायटी, तो आपके प्रोडक्ट में वैरायटी होनी चाहिए। जब आप दिए तैयार कर रहे हैं तो उनको कई डिजाइंस और कई साइजेस में तैयार करें। इसी तरह आप ग्लास, कुल्हड़ या बाउल्स को तैयार कर रहे हैं तो उनको भी कई सारी डिजाइंस और कई सारे साइजेस में तैयार करें, क्योंकि आपके पास जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी आपके कस्टमर के पास उतनी ज़्यादा चॉइसेस होंगी, और आपके कस्टमर के पास जितनी ज़्यादा चॉइसेस होंगी आपका प्रोडक्ट उतना ज़्यादा सेल होगा, और आपका प्रोडक्ट जितना ज़्यादा सेल होगा आपकी उतनी ज़्यादा बचत होगी। दोस्तों, तीसरी चीज़ है मार्केटिंग। आपको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग पर विशेष ध्यान देना है, उसके लिए अलग से स्पेशल बजट लेके चलें। हो सके तो किसी सेल्स पर्सन को भी हायर करें, क्योंकि आपकी जितनी ज़्यादा सेल होगी आपकी बचत भी उतनी ज़्यादा हो पाएगी, तो सेल्स को विशेष प्रेफर करके चलें। दोस्तों, जब आपके कुछ प्रोडक्ट सेल होने लगें तो आप मशीन्स की और कारीगर की संख्या बढ़ाकर अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा और भी कई डिज़ाइंस के और कई तरह के मिट्टी के आइटम मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार आने वाले समय में मिट्टी से बने बर्तनों की और मिट्टी से बने आइटम्स की डिमांड बहुत ज़्यादा रहने वाली है, और अभी भी इसकी डिमांड कम नहीं है, जमकर मिट्टी के बने प्रोडक्ट्स की डिमांड की जा रही है। तो दोस्तों, इस बिजनेस को करके आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। भाइयों, आपके लाइक्स हमारी टीम के उत्साह को दुगना कर देते हैं, तो वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों में इसको शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अब तक श्री जी एटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले बिजनेस रिलेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए क्रिएटिव बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।